एमएनएस दिवस सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रेमिका से मिलने पहुंचे सब इंस्पेक्टर को लोगों ने पीटा। पीएम आवास योजना की अवधि बढ़ी। ठाकरे परिवार की बहू बनेगी बीजेपी नेता की बेटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है। अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे सब इंस्पेक्टर के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। एसआई शिवशंकर सिंह गांव के एक महिला से प्रेम करते थे, उसी से मिलने के लिए सोनबरसा पहुंचे थे। ग्रामीणों ने एसआई शिवशंकर सिंह यादव को पकड़ लिया, फिर जमकर पिटाई की, कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। सूचना मिलने के बाद चिवहाटा थाना की पुलिस एसआई को बचाने पहुंच गई तथा उन्हें बचाकर थाने ले गई। ग्रामीणों का कहना है कि एसआई जब चिवहाटा में कार्यरत थे उस दौरान महिला के घर से दूध लिया करता था। इसके बाद महिला यहां एसआई का पारिवारिक संबंध हो गया। वहीं कुछ लोग यह भी बताते हैं कि दोनों परिवार का आना जाना लगा रहता था। ग्रामीणों के मुताबिक एसआई के हमेशा आने जाने से गांव का माहौल खराब हो रहा था। अगली खबर, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद ग्रामीण आवास योजना पर कैबिनेट के फैसले पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,95,00,000 पक्के मकान देने का लक्ष्य तय किया है। नवंबर 2021 तक 1,65,00,000 पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। मकान बनाने के लिए राशि जारी की जा चुकी है और भी लोग इस योजना के तहत पक्के मकान बना सके, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, शादियों का यह सीजन महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवारों में भी उल्लास से परिपूर्ण है, क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री गुलाबराव पाटिल, जितेंद्र आव्हाड के घरों में भी शादी की तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे की शादी बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता से होने जा रही है। अंकिता पुणे जिला परिषद की सदस्य है और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की निर्देशक भी है, जबकि निहार मुंबई में एडवोकेट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।